जी, तो आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ एक झटपट क्विक रेसिपी रेशमी कबाब। तो प्लीज जो मेरे नए आने वाले व्यूवर्स हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। आई नीड योर सपोर्ट, थैंक यू जी। तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक झटपट तैयार चिकन के रेशमी कबाब लेके आई हूँ। इसकी रेसिपी बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए, ये कीमा है मेरे पास, ये आप देख रहे हैं 1 कप हैं ये मेरे पास वेजिटेबल्स, तो ये मैंने 2.5 कप कीमा लिया है। 2 कप भी ले सकते हैं, इसकी क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। 2.5 कप मिंस चाहिए मुझे चिकन का, ये कीमा है। और उसके लिए जो वेजिटेबल्स चाहिए, ये मैंने ये बेल पेपर्स हैं यानी शिमला मिर्चें, ये 2-3 रंगों की हैं, तो ये 1 कप भर के हैं और इनको मैंने फाइनली छोटा छोटा चॉप कर लिया है। और ये प्याज हैं, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है, कद्दूकश कर लिया है, ये देखें। और मैंने इसको दबा के हाथों की मदद से या स्ट्रेनर में डाल के इसका पानी एक्सेसिव निकाल दें। और ये मेरे पास क्रश्ड जो हैं यही कद्दूकश किए हुए ग्रेटेड जो हैं ये आलू हैं, कच्चे आलू हैं, ये 1 कप है। और दूसरा जो मैरिनेशन के लिए चाहिए वो हैं सब्ज़ मिर्चें हैं कटी हुई, बारीक बारीक कटी हुई ग्रीन चिलीज हैं। और ये मेरे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये लाल मिर्च है, रेड चिली पाउडर, ज़ीरा पाउडर, क्यूमिन पाउडर, ये मेरे पास क्रश चिलीज हैं, दड़पड़ मिर्च, ये ब्लैक पेपर है, काली मिर्च, और ये सॉल्ट है 2 टेबल स्पून, और ये अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और ये गरम मसाला है मेरा, और ये सब्ज़ धनिया। चलें इसकी अब करते हैं मिक्सिंग और इसकी करते हैं सारी बाइंडिंग जी। तो इसकी मिक्सिंग में आ जाते हैं, मिक्सिंग करते हैं इसकी। ये मैंने शिमला मिर्च डाल दी, और ये प्याज चला गया, ग्रेटेड मेरा प्याज, और ये चले गए आलू ग्रेट किए हुए, ग्रीन कोरिएंडर, सब्ज धनिया, सब्ज मिर्च, ये सब्ज मिर्च तकरीबन 4-5 टेबल स्पून भर के हैं, आप कम या ज्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। उसके बाद ये स्पाइसेस की बारी आती है, ये चला गया सॉल्ट, गरम मसाला, ब्लैक पेपर, क्यूमिन पाउडर, ये मैं सारे इंग्रेडिएंट इसमें कर दूंगी मिक्स अच्छे से। तो मैं मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। इन वेजिटेबल्स को हम अच्छे से कर देंगे मिक्स, ये देखें ये कलर्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितने रिफ्रेशिंग है। इसको अच्छे से मिक्स करके तो आगे हम कबाब की तैयारी करते हैं जी। तो इसको हमने अच्छे से कर दिया है मिक्स। इसका कुछ तरीका ये है कि मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, मैं इसको करूँगी फ्रीज। इसकी प्लस जो पॉइंट है वो ये है कि इसको आप आराम से फ्रीज भी कर सकते हैं। ये रखा है ठंडा पानी, इसमें इसकी बाइंडिंग में कुछ भी नहीं जाता, ना अंडा ना ब्रेड क्रम्ब कुछ भी नहीं। ये देखें जैसे चपली कबाब होते हैं ना, चपली कबाब को ऐसे ऐसे टैप टैप करेंगे थप थपा के, तो जितना बड़ा मर्जी चाहे कर लें, लेकिन होने ये पतले पतले चाहिए। देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, इसकी खूबसूरती यही होती है कि ये कलर्सफुल वेजिटेबल्स नज़र आती हैं। ये आलू जो है इसको सॉफ्ट करेगा, इसलिए इसकी बाइंडिंग की इसमें कोई ज़रूरत नहीं। ये मैं आपको एक तो बना के दिखाती हूँ और इसी तरह मैं अपनी ये ट्रे पे लगा दूंगी, कोई भी ले लें आप ट्रे उस पे लगाते जाएं और उसको फ्रीज कर लें, और चाहें तो फ्रेश सर्व करना है तो इस तरह करें, इट्स अप टू यू। जब भी बनाना हो निकालें थोड़ा सा, इसमें अच्छी बात ये है कि इसमें ऑयल भी बहुत थोड़ा जाना है, आपने जब फ्राई करना है तो आपने ऑयल भी बहुत थोड़ा डालना है। ये देखें कितनी क्विकली जो है ये तैयार होते जाते हैं, बड़े बड़े इस तरह कर लें, बड़े बड़े चपली कबाब की तरह बना लें तो ये बहुत अच्छे तैयार होंगे। तो मैं ये बना के तो फिर आपको फ्राई करके दिखाती हूँ जी। तो हम फ्राइंग की तैयारी करते हैं, ये मैंने पैन रख दी है और ये थोड़ा सा इसमें ऑयल डाला है, ज़्यादा ऑयल नहीं डाला,
तो अब मैं आपको कबाब का बताती हूँ। ये मैं एक तो आप चपटे वाले कबाब आपको बताए हैं, और दूसरा मैं बताऊंगी कि ये स्क्रूवर्स हैं ये मेरे पास, ये वुडन है स्टिक्स, इस पे भी आप बना सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल हो जाएगा। ऐसे पकड़े कबाब, कबाब पकड़ के तो इसको थोड़ा सा पानी लगाएं हाथों को जी, तो पानी लगा के इसको ऐसे लंबा लंबा कर लें, तो ये बेहतरीन एक लंबी सी शेप तैयार हो जाएगी जी। तो ये ऑयल गर्म हो चुका है, ये देखें इसमें लगाते जाएंगे। इसी तरह मैं बना के तैयार कर लूंगी, और साथ में ये हमारे जो चपटे कबाब हैं ये भी रख देंगे। ये भी साथ रख दिए, तो इसको फ्राई करते हैं। आपने फ्लेम बहुत लाइट रखना है, लाइट फ्लेम पे खूबसूरत गोल्डन कलर आएगा तो ये अच्छे तैयार होंगे। ये देखें इनको टर्न ओवर किया है, तो देखें कितना खूबसूरत कलर, देखें वेजिटेबल्स कितनी खूबसूरत नजर आ रही हैं। लुक एट द कलर इट्स ब्यूटीफुल। ये मैंने कुछ लंबे वाले सीक शेप में बनाए हैं, और ये मज़ीद आपको फ्राई करके दिखाऊंगी, तो ये आपको फाइनल लुक के साथ मैं दिखाती हूँ। ये देखें ये फ्राई हो चुके हैं, इनको मैंने बहुत लाइट फ्लेम पे बनाया है ताकि अंदर तक कुक हो और एक खूबसूरत इनका गोल्डन प्यारा कलर आए, जो कि देखने में भी प्रेजेंटेबल लगते हैं। और ये एक जो मैंने इस तरह बनाया था, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।